एक मार्च से शुरू होने वाले हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की प्री वेडिंग फंक्शंस। लेकिन बेटे और बहू की शादी को इस बार भी नीता अंबानी ने बना दिया है बेहद ही खास और पवित्र। जी हाँ, वैसे तो अंबानी परिवार में इस वक्त खुशियों का माहौल छाया हुआ है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शंस भी अगले दो दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात के जामनगर में नीता अंबानी ने 14 नए और भव्य शानदार मंदिर बनवा दिए हैं, जिसको लेकर वहां के लोग भी काफी खुश हैं। तो चलिए इस खास वीडियो में आपको भी दिखाते हैं उन मंदिरों की एक खूबसूरत झलक, जिसे बेटे और बहू की खुशियों में शामिल होने के लिए नीता अंबानी ने बनवाया है। जी हाँ, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। वहीं 1 से 3 मार्च तक कपल की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज होगी और गुजरात के जामनगर में होने वाले इन फंक्शंस में इंटरनेशनल स्टार्स भी शिरकत करेंगे। अंबानी परिवार के घर की ये शादी हर फंक्शन की तरह स्पेशल और ग्रैंड होने वाली है, जिसकी शुरुआत नीता अंबानी ने एक बार फिर भगवान के आशीर्वाद के साथ ही की है। और इन प्री वेडिंग फंक्शंस को खास बनाने के लिए अंबानी फैमिली ने कुछ ऐसा किया है जो स्पेशल के साथ साथ यादगार भी है। तभी तो नीता अंबानी ने अपने लाडले बेटे और बहू की खुशियों से पहले जामनगर में 14 आलीशान मंदिर बनवाए हैं। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी अपने बेटे की शादी से पहले जामनगर को बड़ा तोहफा दे चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने जामनगर में 14 मंदिरों का निर्माण किया है। इससे पहले अंबानी परिवार ने जामनगर में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है। नीता अंबानी की ओर से शुरू की गई इस पहल के चलते एक विशाल परिसर में अंबानी फैमिली ने 14 नए मंदिर बनवाए हैं। नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें मंदिरों में इस्तेमाल किए गए नकाशीदार खंभे, देवी देवताओं की मूर्तियां और खूबसूरत फ्रेस्को स्टाइल पेंटिंग देखने को मिल रही है। ये पेंटिंग पीढ़ियों से चली आ रही कल्पनात्मक विरासत को दर्शाती है। ये मंदिर देखने में काफी खूबसूरत है, जिनमें गहरे नकाशीदार खंभे, देवी देवताओं की मूर्तियां, भित्ति चित्र शैली की पेंटिंग और पीढ़ियों की कलात्मक विरासत से प्रेरित वास्तुकला की खास चीजें देखने को मिलेगी। ये मंदिर परिसर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और साथ ही इसकी दीवारों पर अनंत और राधिका की शादी के जश्न को भी दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि शादी के प्री वेडिंग फंक्शंस के शुरू होने से पहले नीता अंबानी इन मंदिरों को देखने भी गई थी, जहां उन्होंने कारीगरों की खूब तारीफें की और उनके काम को भी सराहा। इतना ही नहीं, इन मंदिरों को बनाने वाले कारीगरों का भी कहना है कि इस काम को करने के बाद उन्हें भी अनंत और राधिका की शादी की खुशी महसूस हो रही है। बता दें कि अनंत और राधिका की शादी का जश्न पूरी दुनिया देखने वाली है। इनकी वेडिंग में देश विदेश के कई बड़े दिग्गजों के शामिल होने की खबर है। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च तक प्री वेडिंग समारोह होंगे, जिसमें फिल्मी हस्तियां शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेकर बिजनेस वर्ल्ड की नामी पर्सनैलिटी तक शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।